जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगेन मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट मल्टीबैग स्टॉक की वीडियो ढूंढ कर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ भैया, इसके भी थोड़े टारगेट अच्छे हैं। बोल सकते हो कि दोस्तों इसमें आपको सेफ पैसा बढ़िया बनने वाला है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ने 6% का रिटर्न दिया, उसके बाद हमारी जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसने 2% का रिटर्न दिया, या फिर वो कॉस्ट के आसपास है। तो वेट करो, वो भी फटेगा, देखते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट और इस चार्ट के अंदर भी मुझे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सबकी डिमांडिंग वीडियो आ चुकी है बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक की। तो दोस्तों, वीडियो में लाइक एंड टारगेट रखते हैं हम लोग 3000 लाइक्स का। तो भाई, जो लोग चैनल पर पहली बार भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी काफ़ी यूजफुल कंटेंट और दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का लाइव सेशन भी करता हूँ बिल्कुल फ्री में। 1:30 बजे के आसपास आप लोग हमारे यूट्यूब पर आओ, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई, इस बात के लिए सब्सक्राइब बटन दोस्तों ज़रूर दबाना। तो दोस्तों, आज का थोड़ा स्टॉक महंगा है। महंगा से मतलब दोस्तों 7250 के आसपास का स्टॉक है। तो पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, गैस करो चाहे तो कि मतलब कौन सा स्टॉक है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उसके चार्ट पर आ चुके हो और चार्ट पर देख पा रहे हो ध्यान से कि थोड़ा सा यार मतलब स्टॉक यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों, मेरे टारगेट्स में ज़्यादा बड़े तो है नहीं, पर 7900 तक के मुझे आराम से नज़र आ रहे हैं। नहीं, मोटा मोटा 7 से अगर 8% आप लोग इस स्टॉक में लेना चाहते हो तो दोस्तों आराम से मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जब इसका अगला रेसिस्टेंस जो पड़ रहा है ना एक स्ट्रॉन्ग, वो अगला लगभग पड़ेगा तो 7650 के आसपास पड़ेगा, 7920 के आसपास पड़ेगा। तो दोस्तों, यही इसके दो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, आप इसमें ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आने का वेट करो, जैसी एंट्री का मौका मिलता है बिल्कुल एंटर कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों, आप लोग वन डे की कैंडल पर आओ तो देख पा रहे हो स्टॉक थोड़ा बुलिश मोमेंटम में है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हडल है, अगर ये टूटेगा तो बढ़िया, 7500 तक की रैली और उसके 7850 की फाइनल टारगेट हमारा आराम से आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों, गैप है, आराम से फिल कर लेगा। हो सकता है दोस्तों अगेन थोड़ा बहुत नीचे, बट जाएगा एंड में ऊपर ही, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। फिलहाल अभी स्टॉक बहुत बढ़िया और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो अपने आप में बढ़िया स्टॉक है ही। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम बताऊंगा, बट उससे पहले भैया देखो चार्ट कितना अच्छा बन रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, उसके बाद बढ़िया रैली करता है। तो दोस्तों, स्टॉक अगर अगेन 7100 या 7000 पर मिलता है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों, स्टॉक एक ऊपर का मोमेंटम पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक काफ़ी अच्छे रहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। अब दोस्तों, कंपनी का आप लोग भाई नाम तो देख ही चुके हो, बट उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा देख लो डाटा। 17000 के आसपास की मार्केट कैपिटल है, स्टॉक भी थोड़ा सा हाई ट्रेड कर रहा है, बाकी दोस्तों कंपनी ठीक है। नेट प्रॉफिट पर आओ दोस्तों, तो कंपनी ओवरऑल और प्रॉफिट में और प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे करके। कंपनी मिड कैप बन गई, अब दोस्तों लार्ज कैप बनने की कगार पर है। जो भी है मतलब दोस्तों, फिलहाल अभी अच्छी चल रही है कंपनी। बाकी दोस्तों, प्रमोट होल्डिंग काफ़ी शानदार है और यहाँ पब्लिक से माल छीना गया है, जो कि प्लस पॉइंट की बात है शेयर होल्डर्स के लिए। तो दोस्तों, चलिए स्टॉक का नाम बता देता हूँ यार। दोस्तों, स्टॉक का नाम है ब्लू डार्ट। अगर आपने हो सकता है इसका नाम सुना हो तो दोस्तों बता दूँ, ये क्या करती है, पार्सल करती है बाई प्लेन, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लेना, पढ़ लेना, चार्ट के हिसाब से बुलिश है दोस्तों। टारगेट इसके शॉर्ट टर्म के आराम से 4-6-8% तक मिल सकते हैं। स्टॉक ब्रेकआउट की कगार पर है और ब्रेकआउट दिया भी है। तो जाओ दोस्तों देखो, अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट लगता है तो आप लोग इसमें अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है। मेरा काम है दोस्तों आप लोगों को भैया स्टॉक के लेवल्स बताना, जो कि ब्रेकआउट चार्ट्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।